खुदा कसम ऐसी दिन भी था कि दिन में बोर्ड लगाया था स्कूल पर और रात जब गुजरता था सुबह जब मैं आया था कि वो बोर्ड भी नहीं, दरवाज़ा का भी कोई मारा है और बुरी बुरी बातें भी, कचरा डाला था वो स्कूल के अंदर में। एक मर्द अगर तालीम याफ्ता हो जाएगा एक फर्द है, लेकिन एक खातून अगर तालीम याफ्ता हो जाएगा एक जामिया तालीम याफ्ता है। मेरा नाम जमीला अब्बासी है और मैं एक अफगान माजर खातून की हैसियत से क्वेटा बलूचिस्तान में रहती हूँ। पहले तो मैं पाकिस्तान से शुक्राना की अदा करूँगा क्योंकि माजर का साथ ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सेटेलाइट टाउन के इलाके में 4 स्कूल है। जहन में आया कि मेरे लोग जो है जितनी मुश्किलात में रहे, जितनी सख्तियाँ मेरे सामने आती है, जितनी मुश्किलात मेरे वतन में है, वो तो सारा जो है वो कम इल्मी की वजह से है क्योंकि मेरे लोग जो है कम तालीम याफ्ता है। और इधर हिजरत के दौरान में तो बिल्कुल ये बच्चों के लिए तालीम और तरबियत नहीं था, उस वजह से मैं सोचा कि मैं ऐसे करूँगा काम में, जैसे काम में करूँगा कि ये माहौल का मैं तब्दील करूँगा। कब तक ऐसी दरबदरी और ऐसी बेसवादी ऐसी लोग रह जाएगा। मैं स्कूल का अपने घर से शुरू किया है, अपने घर के अंदर में एक कमरे के बच्चों का तालीम देता था, वो तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हुआ। और दूसरा मसला जो था मेरे माहौल में, मेरे लोग का रस्म रवाज ऐसे था कि बॉयज के लिए वो फीस देता था कुछ, तो गर्ल्स के लिए बिल्कुल नहीं देता था। मेरे सोच ये हुआ कि मैं क्या करूँगा कि मैं मुफ्त तालीम लोग के लिए आमादा करूँगा। अभी वो दो स्कूल बिल्कुल फ्री है, तकरीबन 15 दौरा हो चुका है कि उधर से बच्चे फीसी करते हैं, फारिग हो जाएगा। इस एरिया में 20,000 लोग जो है, 20,000 बच्चे तालीम याफ्ता हो चुका है, यानी लिखने पढ़ने उसका आते हैं, और 300 से ज़्यादा बच्चे फीसी किया है और 150 से ज़्यादा बल्कि 200 तक बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में गया है, उधर से फारिग भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल में भी गया है और इंजीनियरिंग में भी गया है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है वो बच्चे गया है, पास हुआ है उधर से। उस टाइम में जो मैं इस इलाके का स्कूल खोला, खुदा कसम ऐसी दिन भी था कि दिन में बोर्ड लगाया था स्कूल पर और रात जब गुजरता था सुबह जब मैं आया था कि वो बोर्ड भी नहीं, दरवाज़ा का भी कोई मारा है और बुरी बुरी बातें भी, कचरा डाला था वो स्कूल के अंदर में। सारा मुश्किलात के साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपनी जगह में खड़ी हूँ और उस पहली दिन से ज़्यादा मैं बेहतर हूँ, पहली दिन से ज़्यादा में मुनाफा लिया है, यानी मानवी मुनाफा, माली मुनाफा का मंजूर नहीं, यानी फुली मुनाफा का मंजूर नहीं, मानवी मुनाफा ये ही कि ये इलाका बिल्कुल तग़ीर किया, ये माहौल अभी बिल्कुल बदल गया है। हर घर के अंदर में अभी एक गर्ल्स जो है वो तो FSC किया है या 12 क्लास या 10 क्लास तक वो पढ़ाई किया है। ये मेरी खुशबख्ती है और मेरी खुशी भी इस बात का है कि मैं कर सका, मैं इतनी किया और अल्लाह मुझे इतनी सलाहियत दिया कि कम से कम मैं इस माहौल का कुछ ना कुछ बदल दिया है। अगर आप एक जगह में जाएगा तो उधर सब काम नाजायज़ होता है और आप वो नाजायज़ काम करेगा वो कैसे लग जाएगा आपके लिए। इस माहौल में पढ़ना लिखना, स्कूल खोलना, गर्ल्स का तालीम देना, ये सब नारावा था इस माहौल में। अभी आप सोचो कि कितनी मुश्किलात ये 25 साल के अंदर में मुझ पर आया है और मैं कितनी मुश्किलात का उठाया है कि
कि अभी ये लोग खुद कबूल करता है, ये खुद अपने बच्चे का लाए गए स्कूल में दाखिला देता है। मेरी किताबें जो है वो सारा किताबें शेर शायरी का किताब है। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ा शायर हो या शायर हो, ये जितनी बात है इजरत का दर्द है। तकरीबन 10 किताब है अल्हम्दुलिल्लाह जो छाप हुआ है, और 3 किताब जो है तालीमी किताब है, जो तदरीसी किताब है, जो क्लासेस से उसका मैं पढ़ाई के लिए छाप किया है, उसके साथ 13 किताब। वो बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं, मेरी 2 किताब का पुल जो है, अगर 2 किताब बेच जाएगा तो वो एक बहन का एक बच्चे का फीस निकल जाएगा उससे। ऐसी तरीके से तो मैं अभी तक आगे लिया है इसका, हालांकि बहुत मुश्किलात भी मेरे सामने आया है। दुनिया के लिए ये पैगाम है कि अफगान लोग जो है ये लड़ाई से बात तक हो चुका है, ये जंग से बात तक हो चुका है। मैं एक खातून की हैसियत से उज़र करता हूँ दुनिया से कि मुझ पर ये सलाह व असलिया जो है, वो ये वसाइल जंगी जो है इसका बंद करेगा। और दुनिया का ये मैसेज है, और दुनिया का एक और मैसेज भी है कि ये मेरे लोग का आटा घी वगैरह नहीं देगा, क्योंकि मेरे खल्क जो है ऐसे मुफ्तखोर तरबियत हो जाएगा। और जो किसी ताउन करती है अफगानिस्तान के साथ, अफगान लोग के साथ, वो तालीम के ज़रिए से ताउन करेगा, क्योंकि वो मछली देना की कोई फ़ायदा नहीं, मछली लेना का तरीक़ा सीखेगा। अभी तो अगर ताउन करती है आटा वगैरह तो वो 2-3 दिन होता है। दूसरा मेरे अपने लोग के लिए ये पैगाम है कि ये ख़वातीन का खुदा के लिए इसके लिए तालीमात का सिस्टम बना करेगा कि ख़वातीन तालीम याफ्ता हो जाएगा। एक मर्द अगर तालीम याफ्ता हो जाएगा एक फ़र्द है, लेकिन एक खातून अगर तालीम याफ्ता हो जाएगा एक जामिया तालीम याफ्ता है। इस वजह से मैं अपने लोग के लिए मेरे ये पैगाम है कि ये करेगा कि ख़वातीन के लिए तालीम का रास्ता बना करेगा, तो वो अपने मुल्क के लिए भी खिदमत कर सकती है और अपने लिए भी। अगर ये नहीं कर सकती है, कम अज़ कम जो किसी कोशिश करती है इस काम के लिए उसके लिए रिकावट नहीं करेगा। ये मेरे पैगाम है।